मानवर कांसी नाम का जो फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, 85 पे 15 का शासन नहीं रहेगा। जब 1991 में 22 चुनाव लड़े तो मानवर कांसी राम के हम चुनाव इंचार्ज थे कि 15 लूट कर रहे खासी, जागो जागो रे 85। और मानवर कांसी राम उनसे टिप्स लेने के लिए आया करते थे। हम लोग जबरदस्ती मानवर कांसी राम को इटावा से चुनाव लड़ाने 22 चुनाव ले आए। नारा हमने दिया था मैनपुरी की जनसभा में कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जसरी राम, कि बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसी राम। कांसी राम के आंदोलन को अगर किसी ने छत पहुंचाई है उसका नाम मायावती है। और मायावती तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। अखिलेश नादान है, नादान परंदा दाना देखता फंदा नहीं देखता, इन्हें राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। तो अखिलेश ने जानबूझ कर ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आया। जब ये मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, इसने किसी भी दंगाई को सजा नहीं दी। और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा, गाजीपुर की जनसभा में कहा था कि मेरा बेटा अखिलेश ये जिद्दी है, अहंकारी है, ये मुस्लिम विरोधी है। मान्यवर कांसीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्हीं के टाइम पर उनके चुनाव इंचार्ज रहे खादिम अब्बास साहब हमारे साथ हैं। इनसे समझेंगे कि उस वक्त की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर आया है, क्यों कांसीराम जी का जो मिशन था वो क्यों कमज़ोर होता दिख रहा है, क्या लगता है सर? देखिए, मानवर कांसीराम का मिशन कमज़ोर नहीं है, बल्कि आज उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। मानवर कांसीराम का जो फार्मूला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, 85 पे 15 का शासन नहीं रहेगा। हम उनके जब 1991 में 22 चुनाव लड़े तो मानवर कांसीराम के हम चुनाव इंचार्ज थे। हमारे गुरु पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव सन 1962 और सन 1967 में MLA बने सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी ने नारा दिया था डॉक्टर लोहिया ने कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। प्रोफेसर सहदेव सिंह ने उस नारे को विस्तारित रूप दिया कि 15 लूट कर रहे खासी, जागो जागो रे 85। तो 62 और 67 में सामाजिक योद्धा पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव ने इटावा का एक विधानसभा है भरसना, 2 दफ़े MLA बने और मानवर कांसी राम उनसे टिप्स लेने के लिए आया करते थे। और जब मानवर कांसी राम ने बाम सेब बनाई तो उन्हें कानपुर मंडल का कन्वीनर बनाया, संयोजक बनाया, फिर DS4 बनाई तब उन्हें संयोजक बनाया। जब बहुजन समाज पार्टी बनाई 84 में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन कलम में उसकी घोषणा की, तब उसका भी जो संयोजक बनाया था वो मानवर कांसी राम ने प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव को बनाया। प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव ने कहा कि किसी और को बनाइए, तो नहीं बोले कि हमारा ये अनुरोध स्वीकार कर लें और कानपुर मंडल के आप संयोजक बन जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हम तो समझते हैं कि भारत में पिछड़ों की अगर कोई राजधानी है तो वो कानपुर मंडल है। यहाँ ललित सिंह यादव ने जन्म लिया है, यहाँ आपके रामस्वरूप वर्मा ने जन्म लिया है, अध्यक्ष संघ के उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है, तो हम चाहते हैं कि चूंकि आपका जन जन में लोगों का आना जाना है, लोग आपको जानते हैं, तो हमारे इस मूवमेंट के लिए आप सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। और जब मुलायम सिंह 1991 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चुनाव लुटवा लिया, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और हम लोग 1991 में चुनाव जीतने जा रहे थे। जब मुलायम सिंह ने देखा ना कट जाए, बहुजन समाज पार्टी अगर इटावा उनके गृह जनपद में जीत जाएगी, तो उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो चुनाव लुटवा लिया। फिर 22 चुनाव हुआ, हम लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने TN सेशन से दिल्ली में आकर शिकायत की और वो चुनाव रद्द हुआ। हम लोग जबरदस्ती मानवर कांसी राम को इटावा से चुनाव लड़ाने 22 चुनाव ले आए। और हमने कहा, सर देखिए, हमने अभी अपनी बात TN सेशन
प्रमुख चुनाव आयुक्त से कह दी है, हमें उम्मीद है कि चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मानवर कांसीराम बोले, हमारे साथ लाल सिंह लोधी पीटीआई पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे इटावा से, और हम विधानसभा इटावा की सदस्य चुनाव लड़े थे, चंद्रवान सिंह काछी और औरैया से चुनाव लड़े थे, और एक हमारे फौजी थे सैनिक हरनारायण जी यादव, वो जसवंत नगर से लड़े थे जहाँ से मुलायम सिंह चुनाव लड़ते आए थे। तो हम लोग बहुत जाफसानी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ मुलायम सिंह को चुनाव लड़े उनके खिलाफ, और उनकी पार्टी को हम लोग परास्त करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने चुनाव रद्द लूट लिया और चुनाव रद्द हुआ। तो जब मानवर कांसीराम को हम लोग इटावा लेके आए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम लोग चुनाव लड़ो, हम चुनाव आप लोगों को लड़ाएंगे और जिताएंगे। तो हमने कहा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, यदि आप चुनाव लड़ना चाहें तो इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम चुनाव कैसे जीतेंगे जब तुम चुनाव अपना नहीं बचा पाए। हमने अपना चुनाव तो बचा लिया। अब चूंकि हमें ये आभास हुआ कि उसने जगह जगह लूट कर ली है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, तो हम अगर चुनाव खुल जाएंगे तब भी हम लोग कम से कम 2 सीटें तो विधानसभा की निकाली ले जाएंगे, पार्लियामेंट की ना निकाल पाएँ। बहरहाल कांसीराम जी ने हम लोगों पर विश्वास किया और इटावा से 22 चुनाव लड़े। तो हमने कहा तू क्या करेगा, तू तो विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो हमने जो पार्लियामेंट का चुनाव हमारा लाल सिंह लोधी पीटीआई लड़ रहे थे, उन्हें हम सदस्य चुनाव लड़ाएंगे, आपको पार्लियामेंट लड़ाएंगे। तो उन्होंने कहा जब तू पार्लियामेंट हमको लड़ाएगा तो मैं तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि मैं अपना चुनाव प्रभारी चौदह बनाता हूँ, तुझे अगर ये मंजूर हो तो हम उसको स्वीकार करते। तो मानवर कांसीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने की हाँ कर दी। तो सारे मिशनरी साथी पूरे प्रदेश भर के इटावा आ गए और बहुत बेहतरीन चुनाव हुआ। तो हमने लोगों ने मानवर कांसीराम को इटावा से पहली बार, मानवर कांसीराम बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने क्यों लड़ेंगे कि हम कोई प्रधानमंत्री तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ हम चुनाव लड़े, राजीव गांधी के खिलाफ हम चुनाव लड़े, इस पर्सनैलिटी का कोई आदमी नहीं है। तो हमने कहा मानवर आप चुनाव जिनके खिलाफ लड़ना जा रहे हैं वो राम सिंह शाख, वो सजपा के उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह की उस समय पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं थी, सजपा थी, समाजवादी जनता पार्टी। तो हमने कहा वो 3 बार का पार्लियामेंट मेंबर है, और जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो श्री शंकर तिवारी हैं, वो भी पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं। तो आप मजबूत लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि बड़े के साथ लड़ते हैं। तो कहने पहले मैं चुनाव हारने के लिए लड़ता था, उससे पार्टी का प्रचार प्रसार होता है, अगर मैं चुनाव हार गया इससे मूवमेंट कमज़ोर हो जाएगा। ना, चुनाव आप जीतेंगे और चुनाव लड़ने से मूवमेंट कमज़ोर नहीं होगा, उसमें गति आएगी, लोगों का हौसला बढ़ेगा। और ये मुलायम सिंह का गृह जनपद है, मुलायम सिंह का नार गड़ा हुआ है इटावा में, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। तो उन्होंने हमारे बात पर विश्वास किया और चुनाव लड़े, और हम लोगों ने मुलायम सिंह के प्रत्याशी को 3rd नंबर पर ढकेल दिया। अच्छा सर, ये तो बात हुई कि आपने किस तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब माननीय कांसीराम थे तो उनका जो मिशन था उस टाइम पे बहुजनों की तूती बोलती थी, लेकिन आज क्या ऐसी वजह आ गई है कि भारत के एक भी राज्य में, खासकर BSP की बात करें या दूसरी एक भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में हो, अगर झारखंड को छोड़ दे या तमिलनाडु में छोड़ दे, उसका कारण है जब मानवर कांसीराम को जो इटावा चुनाव लड़ाया उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था 91 में, और जय श्री राम के नारे लगते थे। तो हमने वहाँ नारा दिया था इटावा की भूम पर लोकसभा में कि बाकी राम झूठे राम, असली राम कांसीराम। और कांसीराम इस नारे उनके लिए वरदान बना, और सारे बैकवर्ड क्लास के लोग और ख़ासतौर से हमारी मायनॉरिटी के लोग मुसलमानों ने, जो मुसलमान मुलायम सिंह का आधार हुआ करता था, उसने मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया और मानवर कांसीराम के साथ वो खड़ा हो गया। जब 93 में मानवर कांसीराम, एक बात और बता दूं, मुलायम सिंह के खिलाफ मानवर कांसीराम ने जसवंत नगर से अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाया, बल्कि मुलायम सिंह के लिए वोट मांगा कि नीचे वाला वोट दो हल्दर किसान को, ऊपर वाला वोट दो हाथी को। तो हमने साहब ये क्या कर रहे हो, क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद
को शहीद करने के बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, ध्वस्त कर दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है कद बहुत ऊंचा हो गया है। इसलिए मुलायम सिंह मेरे पास बार बार आ रहा है, तो मैंने उसका कह दिया कि भाई मैं तो उससे समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी भी ब्राह्मण ठाकुर बनिया की पार्टी के प्रमुख के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाता, और तू तेरा अध्यक्ष है चंद्रशेखर जो ठाकुर बरादरी से है, तो ऐसा कर कि तू अपनी पार्टी बना तो हम तेरे बारे में सोचेंगे, हम तेरे से समझौता करें या ना करें। तो 1993 में जब मानवर कांसीराम और मुलायम सिंह का समझौता हुआ, फिर नारा हमने दिया था मैनपुरी की जनसभा में कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जयश्री राम। तो ये कांसीराम का जो फार्मूला 1585 का है वो 1993 में सफल हो गया। और मानवर सर 1993 में वो सफल हो गया, लेकिन आज अखिलेश यादव मायावती जी क्यों इस चीज़ को सफल नहीं कर पा रही है, क्यों बीजेपी आरएसएस हावी है और लगातार वो सत्ता में? इसलिए है, मायावती का जेल दिखाई देती है, जेल के शिक्षक दिखाई देते हैं, उसके पीछे ईडी और सीबीआई लग जाएगी, उसके भाई और भाभी यानी आनंद और विचित्र लता की 400 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है, और मायावती ने जो अकूत संपत्ति बहुजन समाज के साथ विश्वासघात करके, बल्कि मिशन के साथ विश्वासघात करके कांसीराम के आंदोलन को अगर किसी ने छत पहुंचाई है उसका नाम मायावती है। तो मायावती क्यों, और मायावती तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है। अखिलेश नादान है, बचपना है, ये मुख्यमंत्री बन जाता ये अहंकार में था, ये अकेले गोल मारना चाहता था, इसने अपने सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ धोखा किया, उनको मिलाया, उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, और जब दोनों मिल गए तो एक आंधी तूफान उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया। तो उसने अपने चाचा जिनकी खुद की पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसने अपने चाचा शिवपाल यादव को सिर्फ एक सीट दी। तो ये लोग नादान लोग हैं, नादान परंदा दाना देखता फंदा नहीं देखता, इन्हें राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। तो अखिलेश ने जानबूझ कर ये 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आया, जब ये मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, इसने किसी भी दंगाई को सजा नहीं दी। इसी प्रकार मायावती अपॉर्चुनिस्ट है, मौका परस्त है, उसका कोई सरा धरा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन से और कांसीराम के मिशन से मायावती का कोई लेना देना नहीं है। आज हम जो इकट्ठा हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन कलम, 38 साल पहले मानवर कांसीराम ने इसी मैदान में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, और कहा था कि बहुजन समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था, वो मैंने चुटकी में बंद कर लिया, लेकिन बहुजन समाज को एकत्रित करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है कैसे, कि अगर हम 85% के लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, एकत्रित हो जाएं तो हम एक ताकत बन सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं, शासन सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। तो मानवर कांसीराम ने 38 साल पहले 14 अक्टूबर 1984 को यही बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, वो ये कहा था, और उन्होंने संकल्प लिया था कि हमने बहुजन समाज पार्टी बना ली है चुटकियों में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को चलाना मुश्किल काम है, लेकिन इंसानी भाईचारा बना के हम ये काम कर सकते हैं। और उन्होंने घोषणा की थी कि कांसीराम की कोई चल अचल संपत्ति नहीं रहेगी, कांसीराम जीवन भर अविवाहित रहेगा, कांसीराम का कोई परिवार का आदमी बीएसपी में मतलब पदाधिकारी नहीं होगा। मायावती ने क्या किया, मायावती ने कुछ संपत्ति इकट्ठी की, टिकट बेचने का काम किया, धनाढ़ धन्ना सेठों को उसने टिकट दिए और उस मूवमेंट को ध्वस्त करके रख दिया। आज मायावती जेल से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है, और उससे बहुजन समाज को अब ज़्यादा कोई आशा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने अपने पिता को किनारे कर दिया, और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा, गाजीपुर की जनसभा में कहा था कि मेरा बेटा अखिलेश ये जिद्दी है, अहंकारी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। मुलायम सिंह ने सार्वजनिक मंच से गाजीपुर में कहा था, जब चुनाव होने जा रहे थे 17 के, तब उन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी को अपने में मिला लिया था, इतना काम किसी गुंडे बदमाश को लेंगे नहीं, आज जब सब गुंडे बदमाशों को अपने साथ लिए घूम रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश राजनीति के मतलब का नहीं है, और मुलायम सिंह ने जो समाज के साथ, अच्छा अखिलेश यादव ने अभी विधानसभा चुनाव में रावण से गठबंधन नहीं करा, ओवैसी से गठबंधन नहीं करा, ओपी राजभर से गठबंधन करा था, लेकिन अब वो उनको छोड़ के भाग गए।
मैं अर्ज ये करूँ वो नादान है, इसलिए मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि नादान परंतर दाना देखता फंदा नहीं देखता है। ये बताइए, जब उसने अपने चाचा से समझौता कर लिया तभी तो उसका ग्राफ बना, तभी तो उसकी आंधी और तूफान चली। अगर शिवपाल अखिलेश के साथ खड़ा ना होते तो मिट्टी मिल जाता, इसके ऊपर मक्खियाँ भनकती। तो चूँकि जब चचा भतीजे मिल गए तो लोगों को एक विश्वास जमाओ, खासतौर से मुस्लिम समाज और यादव समाज चाहता था कि चचा भतीजे एक हों। तो जब एक हो गए तो मैं एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि 20% मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, उसने सूच के इकट्ठा होकर 95% वोट मतलब कहना का अखिलेश को दिया, तो अखिलेश को 32% वोट मिला। बसपा में गया नहीं, कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी, तो मायावती का 12-13% वोट रह गया। तो 20% वोट सच्चे मन से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीति को ध्वस्त करना चाहता है। तो ये अखिलेश जो है ये अहंकारी है, इसने समय समय पर गलत फैसले लिए हैं जिसका नतीजा ये निकला। तो आज ये 120 में जो भागीदार दिवस है वो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। आरक्षण उन्होंने दिया तो आरक्षण का मसला कोई रोजी रोटी का मसला नहीं, नौकरी चाकरी का मसला नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी का सवाल है। जिस समाज की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है वो समाज गुलाम और लाचार बनकर रह जाता है। इस काम गुलाम लाचार बनाने का काम इस समाज को मायावती कर रही है, इसलिए मायावती को सुधार लाना चाहिए। अगर वो बहुजन समाज का कल्याण चाहती है तो उसको सुधार लाना होगा, और मतलब कहना का हम बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आज ही के दिन 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज जी ने दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण 50% आरक्षण लागू किया था, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सबकी बराबर हिस्सेदारी हो, सबका बराबर का रिप्रेजेंटेशन हो। उसी के उपलक्ष्य में 102वें उपलक्ष्य में आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बहुजन समाज है वो जमा हुआ है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बहुजन समाज को हिस्सेदारी कैसे मिले। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनित आवाज़ दिल्ली।